ग्राम चिकली में मंदिर में पूजा कर रहे एक परिवार पर अचानक कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिस हमले में परिवार का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। ग्राम चिकली में 3 तारीख को मंदिर में दर्शन कर रहे एक परिवार के ऊपर कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया। परिवार वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए उज्जैन पहुंचाया गया। दरअसल यह मामला ग्राम चिकली थाना माकड़ोन का है। सुबह 8 बजे मंदिर में दर्शन करने पहुंचे दूल्हे सिंह, मंगल सिंह, अजय सिंह, विजय सिंह, भूपेंद्र सिंह, सौभाग सिंह पर उनके गांव के एक परिवार ने अचानक धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमला करने वाले लक्ष्मण सिंह, धर्मेंद्र सिंह, बंटी, बबलू सिंह, नाहर सिंह, हरि सिंह ने प्लानिंग कर मंदिर में इन लोगों को घेर कर हथियारों से हमला कर दिया। धर्मेंद्र सिंह नामक व्यक्ति के हाथ में तलवार थी और भूपेंद्र सिंह के ऊपर वह तलवार मार दी गई, जिससे भूपेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका उपचार उज्जैन के नजदीकी चिकित्सालय में किया जा रहा है। वहीं घायल के पिता कालू सिंह ने बताया कि निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की जाए। हमारे ऊपर धारा भी 307 लगा दी गई है। मैं अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि इसके लिए सही जांच की जाए। मंदिर को पूजा करने आए थे, वहाँ पर अचानक उन लोगों की प्लानिंग थी। भाई पहले से कुछ प्लानिंग होगा, उनके यहाँ पूजा करने क्यों आए और आके उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया। जैसे हमला हुआ उसमें ये सभी लोग एकत्र होकर आए और मेरे बालक को इन लोगों ने मारा, जिसे तलवार की लगी हुई है। बच्चा बोल नहीं पा रहा है, आज अस्पताल में एडमिट है। यहीं पर हम थाने पर रिपोर्ट करने गए, उसके बाद हमारी नहीं सुनने के बाद रिपोर्ट हमारे ऊपर 307 लगा दी, जबकि लगनी उनके ऊपर थी। उनको चोटें कम आई है और इसको गंभीर रूप से ये घायल हुआ, आज तक बोल नहीं पा रहा है। तो हमने प्रशासन से निवेदन ये है कि हमारी निष्पक्ष जांच की जाए।